तो दोस्तों हम लोग सलमान भाई से मिलने आए थे, तो ये हमारे भाई से आपको बताया था कि हम बांद्रा स्टेशन से सलमान भाई जान के घर के पास में खड़े हैं, गैलेक्सी अपार्टमेंट। वाइट कलर का जो घर दिख रहा है आपको, पूरा अपार्टमेंट उन्हीं का है और सलमान भाई वही रहते हैं। और इधर पास में ही समुद्र है दोस्तों, सामने समुद्र की लहरें भी उफाने मारते हुए आ रही है। और ये हमारे लखन भाई साहब, बड़े ही परेशान हो चुके हैं। अरे बहुत, देखिए गाइस समुद्र की लहरें यहाँ पे कितनी तेज रफ्तार से आती है। तो दोस्तों हम लोग सलमान भाई से मिलने आए थे, तो ये हमारे भाई सलमान भाई हमें मिल चुके हैं। आप भी बोल देना, आए थे जुनेद सैयद और आप भी देखते हैं इंस्टाग्राम सलमान टू जेड। जैसे ये एक ख्वाहिश लेके आए थे, वैसे मैं भी एक ख्वाहिश लेके यहाँ पे आया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मेरे माँ बाप की दुआएँ हैं, मेरी बहन की दुआएँ, इसलिए आज मैंने सलीम साहब यानी कि सलमान खान साहब के वालिद साहब से मेरी मुलाकात हो गई है। तो मतलब आप ज़िंदगी में कोई भी चीज़ें चाहते हैं तो आपको वो ज़रूर कामयाब होती हैं, क्योंकि आपका दिल साफ होता है। सलीम साहब से मेरी मुलाकात आज ज़िंदगी में पहली बार हुई। मेरी आपको आज कैसा लग रहा है सलीम साहब? मेरी वॉक देखते ही वो सलमान भाई, वो सलीम साहब बोले आ जा बेटा, आ जा फोटो ले ले। ये इतना बड़ा दिल होता है कि किसी को भी आप मोहब्बत दीजिए तो आपको मोहब्बत ज़िंदगी में इंशाल्लाह हर कोई कामयाब होता है। बट दिल साफ होना चाहिए, बट आप हर किसी को मोहब्बत दीजिए, ये मोहब्बत देने में आप किसी को कसर मत छोड़िए। लवली भाई बेस्ट ऑफ लक, इन लोगों को आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ये लोग भी स्ट्रगल करते हैं, जितने लोग मेहनत करते हैं उन सबको आप मेहनत दीजिए। लवली आगे सलमान भाई जान के पिताजी बैठे हुए हैं, बॉडीगार्ड्स खड़े हुए हैं। देखिए गाइस वहाँ पे चेयर पे बैठे हुए हैं पुलिस के साइड में। गाइस बांद्रा बीच पर हम खड़े हैं और यहाँ पर अभी सलमान सर के पिताजी भी हमें मिले थे, लेकिन गाइस उनके बॉडीगार्ड्स ने मिलने नहीं दिया। देखिए गाइस बांद्रा